हेलो एंड वेलकम टू बिहार नमन जीएस। बिहार नमन जीएस परिवार में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रदीप आचार्य जीएस के साथ। इसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी जीएस के टॉपिक देखे हैं, उसमें व्यक्तित्व और व्यक्तित्व में महात्मा गांधी। सबसे पहले मित्रों मैं आपको ये बता दूं कि हमें जब भी व्यक्तित्व की तैयारी करनी है, चूंकि व्यक्तित्व बहुत सारे हैं और हमें बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन व्यक्तित्व की जब भी तैयारी करनी होती है मुझे कुछ बातों को हमें ध्यान रखना होता है। जैसे उस व्यक्तित्व का विकास कैसे हुआ, जैसे आप मान लीजिए गांधी जी का विकास, गांधी जी ने के ऊपर बौद्ध जैन का प्रभाव है, उसी तरीके से अन्य व्यक्तित्व का अगर विकास हुआ है उसके विषय में अगर कुछ चीजें दी हुई है तो हम उसको इंक्लूड कर देंगे। इसके बाद है विचार, गांधी जी के विचार क्या है, समाज पे क्या विचार है, धर्म के आधार पे क्या विचार है, अन्य चीजों पे क्या विचार है। उसके बाद उनके योगदान, योगदान समाज में, योगदान धर्म में, योगदान संविधान में, योगदान आदि आदि। हर व्यक्तित्व का अलग अलग योगदान होता है, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, इन सारी चीजों को देखेंगे। उसके बाद प्रासंगिकता, प्रासंगिकता में का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति ने जो दर्शन दिए, महात्मा बुद्ध ने जो दर्शन दिए, उसका आज क्या महत्व है, क्या वो महत्वपूर्ण है या वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता या वर्तमान समय में वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये चीज हमें प्रासंगिकता में देखनी होती है। हम एग्जाम्पल देखेंगे अभी महात्मा गांधी के विषय में। उसके बाद है आलोचना, हर व्यक्तित्व में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट देखने को, चीजें देखने को मिलेगी, वो हमारी आलोचना के अंतर्गत आएगा, पॉजिटिव और निगेटिव। उसके बाद इन सारे चीजों को जानने के बाद उस विषय में आपका क्या विचार बनता है, जिसे आप लास्ट में बोलना चाहते हैं, वो हमारा होता है टिप्पणी। तो आप जब भी व्यक्तित्व की तैयारी करें आगे से, तो आप इन चीजों को ध्यान रखें और इन आधारों पर तैयारी करें। मित्रों हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको 10 इन्फॉर्मेशन रटा दें, हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपको इस काबिल बनाएं कि भविष्य में अगर कोई ऐसी परिस्थितियां आई, हालांकि हम बहुत सारे व्यक्तित्व पे चर्चा करेंगे जिसका लिस्ट हमने पहले भी दे दिया है, लेकिन फिर भी भविष्य में ऐसी कोई चीजें आती है, करंट अफेयर में कोई ऐसी चीजें आती है जिसको आपको तैयारी करने की जरूरत है, तो आप ये आधार, इस आधार को लेते हुए आपको वो टॉपिक तैयार करना पड़ेगा, जिससे आपको अच्छे से अच्छे तैयारी हो सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए गांधी जी पे चलते हैं और हम देखते हैं गांधी जी का परिचय। अब परिचय में हमें क्या देखना है, गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए, गुजरात में पैदा हुए, उनकी यहां शादी हुई, ये सारी चीजें हमारे हिस्ट्री के लिए, हालांकि कुछ जगह हिस्ट्री को इंफॉर्मेशन ही मान लिया जाता है, लेकिन सच बताएं तो हमारे हिस्ट्री के लिए, लेखन के लिए वो सारी चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होने वाली है। आप एक ढांचा बना लीजिए, महात्मा गांधी, परिचय, दर्शन, विचार, प्रासंगिकता एवं योगदान, और इस ढांचा के आधार पे हम आगे स्टडी करते हैं। और इसमें हम सबसे पहले जो परिचय देखेंगे, नव वेदांतवादी। तो नव वेदांतवादी का तात्पर्य क्या है मित्रों, नव वेदांतवादी का तात्पर्य यह है कि वर्तमान जो जगत है वो ईश्वर की एक अभिव्यक्ति है। नव वेदांतवादी मानते हैं कि ये जगत हमने नहीं बनाया, ये जगत कहीं ना कहीं जो भौतिक पदार्थ यहां हैं उसमें ईश्वर का योगदान है और ये ईश्वर का एक अंग है, एक विशाल ईश्वर के एक अंग मानते हैं इस धरती को, इस जीवन को, वो हर चीज जो हम देख पाते हैं, ये नव वेदांतवादियों का विचार है। आगे आइए, भगवत गीता का इनपे व्यापक प्रभाव रहा है। गांधी के शिक्षाओं में जो नैतिकता है और निरपेक्ष कर्म योगी, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, ये प्रेरणा उन्हें भगवत गीता से प्राप्त हुई है। आगे हम चलते हैं बौद्ध धर्म से जो उन्हें प्राप्त हुआ है वो है अहिंसा का मूल मंत्र। अभी हम लोग पढ़ेंगे सत्य एवं अहिंसा की राजनीति, तब हमें पता चलेगा कि बौद्धों का और जैन में भी पंचवर्त के अंतर्गत ये अहिंसा आता है। तब हम देखेंगे कि बौद्ध और जैन का हमारे गांधी जो हमारे व्यक्तित्व है उस पर क्या योगदान रहा है, क्या प्रभाव रहा है। जैन के अंतर्गत पंचवर्त अर्थात 5 चीजें, उन 5 चीजों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह,
अहिंसा तो आप जानते हैं कि हिंसा न करना अहिंसा है। हालांकि गांधी जी अहिंसा को और भी ऊपर ले जाते हैं, वो हम देखेंगे आगे, लेकिन वर्तमान में जो धारणा है उसको हम देखते हैं कि अहिंसा क्या होता है, हिंसा ना करना अहिंसा माना जाता है। आगे सत्य बोलना, गांधी ने हमेशा सत्य बोलने की और सत्य पे आधारित राजनीति की कल्पना की है। आगे हम देखते हैं अस्तेय, चोरी ना करना। अस्तेय के बाद अपरिग्रह, वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण ना करना। जरा सोचिए, अगर समाज में किसी एक व्यक्ति के पास सारे संसाधन हो जाते हैं तो पूरा समाज हमारा चलेगा कैसे, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, ये विचार थे गांधी के। आगे है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से तात्पर्य उनका विवाह न करना नहीं था, बल्कि अनैतिक कार्यों में जुड़ना नहीं चाहिए, ये उनका ब्रह्मचर्य से योगदान था, विचार थे, सॉरी। आगे हम देखते हैं इनके विचारों पे जॉन रस्किन का व्यापक प्रभाव देखा जाता है। ये जॉन रस्किन महोदय अनटू द लास्ट के अंतर्गत उन्होंने अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात की है, और ये गांधी पे इतना प्रभाव है कि उन्होंने एक सर्वोदय का सिद्धांत दे दिया, जो जॉन रस्किन से लिए गए विचार और अपने विचारों को मिक्स करते हुए भारत में हर व्यक्ति का उदय कैसे होगा इस पर विचार दिया है गांधी ने। आगे है हमारा हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो ने ऑन सिविल डिसोबीडियंस नामक एक कल्पना दी है, विचार दिए हैं, और यहां से उन्होंने प्रेरित होकर के सत्याग्रह, अभी आगे हम लोग सत्याग्रह पे चर्चा करेंगे। टॉलस्टॉय के बारे में अगर देखें, शक्ति और शोषण पे आधारित जो आधुनिक राज व्यवस्था है, आधुनिक सभ्यता है, उसका विरोध टॉलस्टॉय के अंतर्गत देखा जाता है, और गांधी ने वहां से इन चीजों को एडॉप्ट किया है। तो आगे चलिए देखते हैं गांधी जी के दर्शन। दर्शन के अंतर्गत हमने पहले भी देखा है कि गांधी जी कर्म की बात करते हैं, फल की बात ना करते हैं, तो उनका विचार कर्म प्रधान है, दर्शन कर्म प्रधान है। आगे हम देखते हैं साधन साध्य की पवित्रता। साधन और साध्य की पवित्रता क्या है? साध्य अर्थात टारगेट, लक्ष्य, और साधन हमें कैसे प्राप्त करना है। आप स्वतंत्रता संग्राम के लीजिए, तो स्वतंत्रता हर किसी को चाहिए, स्वतंत्रता का टारगेट को लेकर के विचारों में या विभिन्न विचार नहीं थे, स्वतंत्रता चाहिए किंतु तरीका क्या होना चाहिए। गांधी जी ने अहिंसा को तरीका माना, कुछ अन्य विचारकों ने क्रांतिकारिता को भी विचार के रूप में माना, किंतु यहां यह जानना महत्वपूर्ण है साधन साध्य की पवित्रता से क्या तात्पर्य है। तो गांधी जी का मत यह है कि अगर हम बबूल का बीज बोते हैं तो हमें आम के फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, और यही चीज थी कि हमें आम प्राप्त करना है, अर्थात साध्य अगर मेरा मीठा होना चाहिए तो हमारे पास साधन जो है वो भी अच्छे होने चाहिए, तो ये हमारा साधन साध्य पवित्रता है। आगे देखते हैं हृदय परिवर्तन। उन्होंने समाज में विकास, समाज में जो असंतुलन है, समाज में जो भौतिक असंतुलन है, उसको चेंज करने के लिए हृदय परिवर्तन, संतुलन स्थापित करने के लिए हृदय परिवर्तन की अवधारणा दी, जिसके अंतर्गत जो धनी व्यक्ति है, जिनके पास संसाधनों का नियंत्रण है, उनका हृदय परिवर्तन करके हम आम जन, जिनके पास संसाधन नहीं है, वहां तक संसाधनों की पहुंच बना सकते हैं, ये उनके विचार थे। धर्म नैतिकता राजनीति। धर्म एवं राजनीति के अंतर्गत गांधी जी का विचार यह है कि धर्म के बिना राजनीति संभव ही नहीं है। वर्तमान में हम धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन यहां समझना महत्वपूर्ण यह है कि धर्म का तात्पर्य पंथ से नहीं है, हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, यहां धर्म से तात्पर्य नैतिकता से है। नैतिक नियम पे आधारित राजनीति ही किसी देश को सही दिशा में प्रेरित कर सकती है, ये गांधी जी की विचारधारा थी। अब हम गांधी जी के विचारों पे चलते हैं। विचारों के तहत हम लोग इसको राजनीतिक
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। आप चाहे तो सामाजिक और सांस्कृतिक को अलग भी कर सकते हैं, किंतु हमने अभी तीन डिवाइडेशन किए हैं। राजनीति के तहत जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह सत्य एवं अहिंसा की राजनीति, और सत्याग्रह से जो तात्पर्य है गांधी का वो है आत्मबल। गांधी जी कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए लेकिन सत्य एवं अहिंसा की राजनीति के तहत, हमें सत्य एवं अहिंसा की राजनीति के तहत सत्याग्रह करना है, और सत्याग्रह के तहत केवल आत्मबल का प्रयोग करना है, अन्य किसी बल का प्रयोग नहीं करना है। अर्थात हम बाहरी बलों जो शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, उनका प्रयोग ना करते हुए केवल हम आत्मबल, हृदय परिवर्तन के विचारधारा पे बल के बल पे बल देंगे। तो ये है उनका सत्याग्रह, और सत्याग्रह को उन्होंने कमजोर लोगों की राजनीति नहीं बताया, मजबूत लोगों की राजनीति बताया है। अब कल्पना कीजिए, अगर आपने किसी को, किसी की आलोचना की और वो अचानक से लड़ने लगता है आपसे, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि ये कमजोर प्राणी है, इसके अंतर्गत सहनशीलता की क्षमता नहीं है, ये असहनशील व्यक्ति है, ये प्रतिक्रियावादी है। तो गांधी जी का विचार आपको यहां से समझना होगा कि सत्याग्रह मजबूत का इसीलिए है क्योंकि सत्याग्रह जब हमारे ऊपर कोई वार करता है और हम अपोजिट में उसके वार नहीं करते, हम बाह्य बल का आत्मबल से सामना करते हैं और हम बाह्य बल के प्रतिक्रिया नहीं देते, ये हमारी मजबूती दर्शाती है, और इसके तहत हमें विरोधी की निंदा नहीं करनी होती, विरोधी की आलोचना नहीं करनी होती है, बल्कि विरोधी को हृदय परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि बुराई नष्ट हो जाए, बुरा करने वाला नष्ट न हो। यह है सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह की जो बेनिफिट हुई वो ये थी कि सत्याग्रह के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने अंग्रेजों से बराबरी की, जो उससे पहले किसी ने बराबरी करने का दावा नहीं किया था। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि बिना हथियार उठाए आत्मबल का प्रयोग करते हुए उन्होंने अंग्रेजों को परास्त कर दिया। तो सत्याग्रह की राजनीति ये है। लोकतंत्र एवं राज्य के प्रति गांधी जी की क्या विचारधाराएं हैं? तो गांधी जी अराजकतावादी चिंतक थे। अराजकतावादी चिंतक होने का तात्पर्य यह है कि राज्य विहीन समाज वो चाहते थे। हालांकि ये बहुत ही बड़ी कल्पना थी, कहीं भी अगर आपको व्यवस्था बनानी है, समाज में शांति स्थापित करनी है, राज्य में स्थिरता प्रदान करनी है, तो व्यवस्था बनानी होगी और राज्य बनाना होगा। बाद में राज्य को गांधी जी ने स्वीकार किया, किंतु उन्होंने राज्य को आवश्यक बुराई माना है, और उन्होंने लोकतंत्र में हर व्यक्ति को सम्मान, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी आदि की कल्पना की। और गांधी जी का लोकतंत्र ऊपर से नहीं आता है, गांधी जी का लोकतंत्र ग्राम लोकतंत्र है, जो नीचे से लोकतांत्रिक, आज जो हम ग्राम पंचायत के अंतर्गत सबसे पहले स्तर पे ग्राम पंचायत के मुखिया का निर्वाचन करते हैं डायरेक्टली, तो गांधी जी की भी यही कल्पना थी कि ग्राम पंचायत स्तर पे जो मुखिया हैं या अन्य प्रतिनिधि हैं उसका सीधा चुनाव होगा, और जैसे जैसे ऊपर की ओर आते जाएंगे उसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता जाएगा। तो ये गांधी जी की राज्य और लोकतंत्र के प्रति कल्पना थी। आगे आते हैं स्वराज्य। तो गांधी जी संपूर्ण स्वतंत्रता की बात करते थे। याद कीजिए 1947 15 अगस्त का जो एक्ट था वो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था। हमने पूर्ण स्वतंत्रता ली, संविधान को अपनाया, हमारे आज खुद के कानून हैं, हमारा भारत गणतंत्र है, ये सारी चीजें हैं। उसके बावजूद भी गांधी उस समय ही पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, जिसमें वयस्क मताधिकार और जनप्रतिनिधि का चुनाव नीचे और आवश्यकता अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने ग्राम स्वराज पे बल दिया, जिसकी हमने पहले भी
चर्चा की है। आगे आते हैं अंतरराष्ट्रीय शांति। गांधी जी ने राजनीति को महत्वपूर्ण माना है, किंतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो सीमा विवाद है उन चीजों का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने का प्रयास किया। उन्होंने राष्ट्रवाद को आवश्यक बताया है ताकि हमारा जो भारत है वो एक सीमा और राष्ट्र के अंतर्गत एक संगठन बना रहे, हमारे देशवासियों के अंतर्गत एक मजबूत जुड़ाव बना रहे। किंतु उन्होंने अंतरराष्ट्रीय शांति की भी कल्पना की और वसुधैव कुटुंबकम इनके विचारों में महत्वपूर्ण विचार था कि हमें किसी को पाकिस्तानी होने की वजह से हे दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय शांति को अपनाने की जरूरत है और अंतरराष्ट्रीय शांति में ही विश्व की शांति और विश्व की भलाई, विश्व का आर्थिक सामाजिक विकास छुपा हुआ है। ये गांधी जी के विचार थे। आगे आर्थिक विचारों में आते हैं। उन्होंने सर्वोदय की कल्पना की है, अर्थात वो केवल ऊंचे या ऊपर वर्गे के विकास के बारे में बात नहीं करते, बल्कि वो निम्न वर्ग कृषकों के, मजदूरों के, सबके विकास की बात करते हैं और देश में अंतिम छोर पे जो बैठा व्यक्ति है उसके विकास भी सर्वोदय के अंतर्गत कल्पना की गई है गांधी जी के द्वारा। इसमें नैतिक अर्थव्यवस्था की बात की गई, अर्थात जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं जिनके पास संसाधनों का बहुत ज्यादा एक्सेस है, पहुंच है, वो व्यक्ति निम्न व्यक्ति या जिनके पास संसाधनों की कमी है उसका शोषण ना करे, बल्कि नैतिक रूप से उन्हें अपना पेमेंट मिलता रहे, उन्हें कार्य के बल अपने योगदान के बदले, उनकी जो भूमिका है उनके बदले उसको समुचित लाभ प्राप्त हो, ये गांधी के सर्वोदय की चिंतन थे। आर्थिक विकेंद्रीकरण, उन्होंने जो आर्थिक व्यवस्था की कल्पना की है उसके अंतर्गत ग्रामीण स्तर पे, अब ध्यान दीजिएगा, राजनीति में भी उनकी कल्पना विकेंद्रीकरण की थी और आर्थिक में भी उनकी कल्पना विकेंद्रीकरण की है। और इस आर्थिक विकेंद्रीकरण के तहत उन्होंने लघु एवं कुटीर उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास पे बल दिया है। ध्यान दीजिए, वर्तमान समय में भी एमएसएमई भारत के विकास में, भारत के अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन का 40% से आज ज्यादा का प्रतिनिधित्व करता है और लगभग 40% से ज्यादा लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। इसके अंतर्गत लगभग 50% ओबीसी, एससी, एसटी एवं महिलाओं का प्रतिनिधित्व है लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत। तो ये चीज थी जो गांधी जी ने उस समय भी सोच ली थी, जो हम वर्तमान समय में सोचते हैं। आज हमने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कितनी चीजें की है, तो जब भी एमएसएमई की बात आएगी हम आर्थिक विकेंद्रीकरण और गांधी के विचारों को भी वहां पुट कर सकते हैं और हमारा क्वेश्चन कितना स्ट्रांग, हमारा आंसर कितना स्ट्रांग हो जाएगा। ये सोचने की बात है और इस तरीके से हमें इसको व्यवस्थित रूप से लेखन करना होगा। न्यासिता का सिद्धांत, गांधी जी का यह कहना है कि हमारे भारत में जो संसाधन है और संसाधन का स्वामित्व जिसके अंतर्गत है, वास्तव में वो संसाधन के स्वामी नहीं है बल्कि संसाधन के ट्रस्टी हैं, न्यासी हैं, और उन्हें संसाधनों पे अधिकार और नियंत्रण इसलिए दिया गया है ताकि वो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर सके और उसका लाभ सामान्य जन तक पहुंचा सके। तो ये गांधी जी के न्यासिता का सिद्धांत था। और अब सपोज कीजिए कि नीचे के स्तर के जो सबसे निम्न स्तर पे हैं, मजदूर हैं, कृषक हैं, आज कल्पना कीजिए कि अगर उनके पास पैसे ना हो तो क्या सबसे केंद्र में बैठा हुआ कोई व्यक्ति लाभ कमा सकता है क्या? अगर प्रोडक्ट बिकेंगे ही नहीं तो किसी को लाभ कहां से हो? तो गांधी जी इस वजह से न्यासिता के सिद्धांत की कल्पना करते हैं। न्यासिता के अंतर्गत उन्होंने जिनके पास स्वामित्व है उनको भी एक समुचित लाभ
प्राप्त करने लेने की बात की गई है, किंतु उन्होंने जो सबसे नीचे हैं या जो कर्मिक हैं उनके भी नियमित और न्यूनतम वेतन फिक्सेशन की बात की है। आर्थिक शिक्षा में आते हैं, हमने यहां देखा कि लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास में गांधी जी बल देते हैं, उसी तरीके से आर्थिक शिक्षा, उनकी जो शिक्षा थी उसमें उन्होंने लघु एवं कुटीर उद्योग को चलाने के लिए जो तकनीकी शिक्षा चाहिए उस पर उन्होंने बल दिया। वो अधिक औद्योगिकरण, जो तत्कालीन पश्चिमी औद्योगिकरण है, उसकी जम के आलोचना की है गांधी जी ने, और उन्होंने कहा है कि इस औद्योगिकरण के कारण संसाधनों का आवंटन सही तरीके से नहीं होता, संसाधनों पे कुछ सीमित लोगों का अधिकार हो जाता है और उसका लाभ जन सामान्य को प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा वर्तमान में जो हम प्रदूषण की समस्या देखते हैं, वर्तमान में जो सतत विकास लक्ष्य हैं, अब जरा सोचिए कि गांधी जी ने सतत विकास लक्ष्य की कल्पना तब की थी जब लोग प्रदूषण के विषय में भी नहीं सोचते थे, केवल औद्योगिकरण को बढ़ावा देते जा रहे थे। हालांकि वर्तमान समय में औद्योगिकरण को प्रेरित किया जाता है और आवश्यक हो गया है, क्योंकि अन्य राष्ट्र जब औद्योगिकृत होते हैं तो प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, क्वालिटी बेहतर होती है। ऐसे में अगर कोई देश औद्योगिकृत ना हो तो उसकी अर्थव्यवस्था को काफी क्षति होती है। अतः वर्तमान में हालांकि यह प्रासंगिक नहीं है औद्योगिकरण को न करना, किंतु प्रदूषण, सतत विकास लक्ष्य, पेरिस जलवायु समझौता, ये सारी चीजें बताती है कि गांधी जी की जो कल्पना थी वो कितनी सैद्धांतिक, कितनी व्यवहारिक थी, सैद्धांतिक से ज्यादा व्यवहारिक थी। आइए गांधी के सामाजिक सांस्कृतिक विचारों पे आते हैं। उन्होंने वर्ण और व्यवस्था, वर्ण एवं जाति व्यवस्था को ईश्वर कृत माना है और इस पे गांधी जी के विचार और अंबेडकर के विचार एक दूसरे से टकराते हैं। हालांकि दोनों ही सामाजिक समानता की बात करते हैं, किंतु गांधी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को ईश्वर कृत बताते हैं और इसे बने रहने के लिए एडवोकेसी करते हैं, किंतु अंबेडकर कहते हैं कि समानता अगर समाज में स्थापित करनी है, लोकतंत्र को अगर हमें बढ़ावा देना है, तो हमें जाति और वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना होगा। किंतु दोनों ने ही असमानता दूर करने का प्रयास किया है। गांधी जी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो बुराइयां हैं उसे हमें समाप्त करना होगा, और इस क्रम में वो अस्पृश्यता की बात करते हैं। ये अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, समाज के अंतर्गत, हिंदू समाज के अंतर्गत बुराइयों में सबसे निकृष्ट बुराई है और ये अस्पृश्यता को नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचार। हालांकि हमने यहां देखा शिक्षा, लघु एवं कुटीर उद्योग से संबंधित जो तकनीकी है, तकनीकी शिक्षा भी बात करते हैं, और वर्धा योजना के अंतर्गत उन्होंने ऐसे शिक्षा देने की बात की है कि व्यक्ति ग्रेजुएशन करके घर में बैठा ना रहे। वर्तमान समय में आप समझ रहे हैं बेरोजगारी की स्थितियां क्या है, ऐसे में गांधी जी के ये विचार काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और वर्तमान समय में जो शिक्षा आ रही है, शिक्षा नीति आई है 2020, उसके अंतर्गत भी कहीं ना कहीं वर्धा योजना के कुछ प्रोडक्ट्स को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये गांधी जी के चिंतन थे जो वर्तमान में भी कितने प्रासंगिक दिखते हैं। उन्होंने महिलाओं को वीर माना है और भारतीय इतिहास में जो वीरता का प्रदर्शन महिलाओं ने किया है उसका गांधी जी काफी बेहतर ढंग से प्रचार प्रसार करते हैं, और स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका दी है, जो न केवल नेतृत्व के पीछे पीछे संघर्ष करे बल्कि नेतृत्व करने के लिए भी गांधी ने महिलाओं को आगे बढ़ाया, और सरोजिनी नायडू के रूप में आप अच्छा बेहतर एग्जाम्पल देख सकते हैं। धर्म एवं मंदिर, धर्म से ज्यादा उनका तात्पर्य तो नैतिकता का है, और वो मंदिर प्रवेश पे बल देते हैं। हिंदू समाज के अंतर्गत हर व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार है, ऐसी गांधी जी की कल्पना है। और जो धर्म है, धर्म के अंतर्गत उन्होंने धर्म निरपेक्षता की बात की है, सर्वधर्म संभाव की बात की है, ना कि किसी विशेष धर्म को लेकर के राज्य को चलना है। राज्य में जो हम धर्म निरपेक्षता देखते हैं,
भारतीय संविधान के अंतर्गत विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत जो धर्मनिरपेक्षता की भावना है उसमें कहीं ना कहीं गांधी जी के विचारों का महत्वपूर्ण योगदान है। सभ्यता, उन्होंने सभ्यता को सहनशील और स्वीकार्य, दूसरों को स्वीकार्य करने वाली सभ्यता बनाने का प्रयास किया, उसके विषय में विचार रखा है। तो ये गांधी जी के सामाजिक सांस्कृतिक विचार हैं। ये वाला, हाँ, इसको ऐसे कर देंगे, सेंसिटिव कैमरा है ना सर, ये दिक्कत हो जाती है कई बार, काटना पड़ेगा। अब हम गांधीवादी सिद्धांत की प्रासंगिकता पे चर्चा करते हैं। मैंने पहले ही बताया था, प्रासंगिकता से तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय में जो उनकी विचारधाराएं हैं उसमें से क्या क्या लागू हो सकता है आज बेहतर ढंग से, किसको हम लागू नहीं कर सकते वर्तमान परिस्थितियों में। तो सत्य एवं अहिंसा एवं सत्याग्रह आप देखते ही हैं, किसान आंदोलन हो या अन्य तरीके के आंदोलन हो, इंडिया में जितने भी आंदोलन होते हैं वो सत्याग्रह तकनीक से आधारित होते हैं। और वर्तमान में सत्याग्रह हमारे भारत का एक अभिन्न अंग बन गया है, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, इन चीजों में। अहिंसा, हम बॉर्डर समाधान नहीं कर पा रहे हैं, अगर अहिंसा में हर व्यक्ति या हर समाज या कहे तो हर राष्ट्र अहिंसा में विश्वास करना प्रारंभ कर दे तो सीमाओं पे जो संघर्ष होता है वो संघर्ष रुक जाएंगे। आतंकवाद के समाधान भी अहिंसा के माध्यम से किए जा सकते हैं। शिक्षा में जो उनकी विचारधाराएं थी, जो तकनीकी शिक्षा की, वर्तमान में काफी प्रासंगिक है। और तकनीकी शिक्षा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हमारे देश का आर्थिक विकास बढ़ता है, व्यक्ति का विकास बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है, ये सारी चीजें हैं। आर्थिक विकेंद्रीकरण काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकेंद्रीकरण अगर होगा तभी जाकर के सबों के पास संसाधन होगा, तो नीचे से लेकर के ऊपर तक जो स्तंभ बना हुआ है हमारे अर्थव्यवस्था का वो चल सकेगा बेहतर ढंग से। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति जो उनका पॉजिटिव विचार है ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में पेरिस जलवायु समझौता को लें, सतत विकास लक्ष्य पे देखें, जहां वर्तमान पीढ़ी की समस्याओं का समाधान करते हुए भविष्य की पीढ़ी को भी ध्यान रखा जाता है, ये चीजें प्रासंगिक है। राज्य को कम शक्ति देना, राज्य को जब ज्यादा शक्ति प्राप्त होता है तो डेमोक्रेसी कमजोर होने लगता है, ऑटोक्रेसी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं कि राज्य को कम शक्ति दिया जाता है, वहीं जो नागरिक हैं, नागरिक को अधिक शक्ति दिया जाता है, मूल अधिकार देख सकते हैं आप। किंतु गांधी जी के कुछ विचार हैं ऐसे भी जिनको वर्तमान समय में जिनकी आलोचना की जाती है, जिनको स्वीकार नहीं किया जा सकता, वो भी हैं। जैसे वर्ण व्यवस्था के प्रति जो गांधी जी के विचार थे वो कुछ ज्यादा ही सकारात्मक थे। तो वर्ण व्यवस्था जो समाज में ऊंच नीच की भावना को बढ़ावा देती है, उन चीजों को वर्तमान समय में स्वीकार नहीं किया जा सकता। गांधी जी अराजकतावादी चिंतन थे और वो राज्य के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे, किंतु अगर देश की व्यवस्था बनानी है, देश में सामाजिक आर्थिक विकास करने हैं, न्याय व्यवस्था को बढ़ावा देना है, तो हमें राज्य आवश्यक है हमारे लिए। इसीलिए अराजकतावादी और वर्ण व्यवस्था की स्वीकार्यता की आलोचना हमेशा की जाती रही है। तो इस प्रकार से हमने गांधीयन फिलॉसफी को देखा। अब इस ढांचे के आधार पर आप गांधीयन फिलॉसफी का अध्ययन करेंगे और अपने आंसर्स लिखेंगे और जो वर्तमान समय में प्रासंगिक है उसको इंक्लूड करेंगे, तो आपके आंसर काफी बेहतर होंगे और आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो धन्यवाद। अगला हम दूसरा टॉपिक करते हैं।